हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, उबंटू का नया वर्जन आ गया है जो कि 24.04 है। तो अभी ये प्री रिलीज आया है, आइए हम उसको इंस्टॉल करके देखते हैं कैसा है, क्या इंटरफेस है, हाउ इट लुक्स एंड लाइक व्हाट चेंजेस हैज बीन इंप्लीमेंटेड। वी लेट्स सी, इसके लिए हम सर्च करेंगे। सो हमारे पास, आप चाहें तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं 12.12.24.04 ISO, ऐसे करके सर्च कर लीजिए आप। यू कैन सर्च लाइक दिस, सो आपको इस वेबसाइट पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो इमेज है, पहली बार तो ये लगभग 4 GB का हुआ करता था। यूज़ टू बी लाइक 4 GB फॉर लाइक प्रीवियस इंस्टॉलेशंस वर्जन्स। ओके, सो अब इसको हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको वापस डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो अभी हम क्या चलते हैं, इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा वर्चुअल वीएमवेयर। ओके, क्योंकि लाइक फिजिकल सिस्टम पे नहीं कर रहा हूँ, मैं वीएमवेयर पे कर रहा हूँ। तो पहले जाएंगे फाइल के अंदर, न्यू वर्चुअल मशीन में जाएंगे। ओके, इससे थोड़ा स्लो होगा क्योंकि मेरा जिस कंप्यूटर पे वीएम रन हो रहा है वो थोड़ा पुराना है। तो इंस्टॉलर डिस्क इमेज, इंस्टॉलर चूज करेंगे, डिस्क इमेज चूज करेंगे, और उसके बाद आप ये देखिए, इसमें दो है 20, सॉरी ये काली है, काली लिनक्स है। तो डाउनलोड, वन सेकेंड, ये है। ओके, ये उबंटू है, नोबल डेस्कटॉप नाम से डाउनलोड हुआ है। ओके, सो ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इसमें हम यूज़र नेम डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स देंगे बेसिकली। वैसे ये दोबारा मांगता है तो ठीक है, 12 नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। 04, और यहाँ ये कहाँ पे ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो मेरा ये डिस्क है, ये वेयर हाउस करके, इसमें मैं सारे वी एम वेयर इंस्टॉल करता हूँ बेसिकली, लाइक वर्चुअल मशीन्स। तो ओके करेंगे, इसके अंदर जाके हम 12 ये नाम दे देंगे। तो बेसिकली जो ये नया वाला उबंटू है 24.0, ये इस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल होगा। क्लिक नेक्स्ट। इसमें डिस्क स्पेस मान लीजिए मैं 50 GB ले लेता हूँ, आप चाहे तो कितना भी ले सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो, वैसे टेस्टिंग के लिए है तो मैं इसको फिर डिलीट कर दूंगा। तो आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपनी अपने अनुसार यू कैन डिसाइड लाइक हाउ मच डिस्क यू शुड यू वांट टू एलोकेट इट टू द मशीन। नेक्स्ट, इसमें हम हार्डवेयर को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेंगे। बेसिकली इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो किया है उसमें 2 प्रोसेसर दिया है इसने और 4 GB RAM दिया है, तो हम इसको रहने देते हैं बेसिकली फ़िलहाल। इसको चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम आप ये 128 GB कर सकते हैं। तो मैं इतना ही रहने देता हूँ बेसिकली, 4 GB रहने देता हूँ, प्रोसेसर 2। ठीक है, ओके, कर क्लोज कर देंगे। आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से बेसिकली, अगर आप में ज़्यादा कोर्स है, ज़्यादा प्रोसेसर है तो इसको ज़्यादा साइन कर सकते हैं। फिनिश, ये बेसिकली तब इसके लिए एप्लीकेबल है जब आप वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। जब फिजिकल मशीन पे इंस्टॉल करेंगे तो ये बाई डिफॉल्ट रिसोर्सेस ले लेगा, वहाँ पे आपको सिर्फ हार्ड डिस्क डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना असाइन, एक पार्टीशन डिफाइन असाइन करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, फिनिश करेंगे। थोड़ा स्लो है तो फिनिश हो रहा है बेसिकली, ये ISO को लोड करता है, क्रिएट करता है। तो अभी ठीक है, ये हमारा VM वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया है। अब इसको हम पावर ऑन करेंगे जो कि अपने आप हो गया है क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था पावर ऑन करने।
करने के लिए आफ्टर क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन। ओके सो ये अभी बूट कर रहा है बेसिकली। So it started now and it has shown some error, you can see here. You can see it has shown some error, like so. Okay, so let's end it. Okay, this has also send it. Okay, so now it has it is collecting the issues, so why it's happened. Okay, so it's sending the error, why it happened, the cause of error. It will send it to Ubuntu. And after that, we'll start installing it. Okay.
हमारा इंस्टॉल हो गया है 1.2। थोड़ा टाइम लगा, इनफैक्ट बहुत टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप अच्छे लैपटॉप पे अच्छे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा फास्ट होगा। और वर्चुअल मशीन जो बाहर इंस्टॉल करेंगे तब भी थोड़ा फास्ट होगा। अब ये रिस्टार्ट करने बोल रहा है, चलिए तो रिस्टार्ट कर लिया जाए इसको। अभी होगा रिस्टार्ट, ये टेंशन मत लीजिए। अभी चलिए नया कंप्यूटर जब लाया जाएगा तो आपको इंस्टॉलेशन और अच्छे तरीके से दिखाई जाएंगी, और अच्छे से जब फास्ट होगा तो मज़ा आएगा। ओके, चलिए तो रिस्टार्ट हो गया एट लास्ट। अब हम आपको तो इंस्टॉलेशन पूरा हो गया बेसिकली, और उसके बाद हमें रीस्टार्ट करने बोला तो हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। अभी सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, थोड़ा समय तो लगा, इसलिए भी लगा क्योंकि वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर रहे थे, और जिस मशीन पे इंस्टॉल कर रहे थे वो सेकेंड जनरेशन का है, जबकि अभी 15th जनरेशन आने वाला है। कोई नहीं, इंतजार का फल मीठा हुआ, इंस्टॉल हो गया, अब रिस्टार्ट हो रहा है। अभी जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स है, कितना मेमोरी ले रहा है, बाय डिफॉल्ट कितने प्रोसेसर है, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो सेंटर है या ऐप में ऐप 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 मैनेजर वो कैसा है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। इसमें भी आप चाहे तो स्केप दबा सकते हैं, स्केप दकाई दबाइए तो पीछे दिख जाएगा कि क्या चल रहा है बेसिकली। ठीक है, ये बूट हो रहा है। अगर आप स्केप दबाएंगे तो पीछे कमांड्स क्या क्या चल रहे हो आपको दिख जाएंगे, नहीं तो आपको एक बूटअप स्क्रीन दिखेगा, डिफरेंट इमेज सर्कुलेट होते हुए। अगर आपको देखना है कि पीछे कौन से कमांड चल रहा है बेसिकली, तो आप बूटिंग प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है तो उस समय आप स्केप दबा सकते हैं। ठीक है, तो इसने ग्राफिक्स ड्राइवर लोड कर लिया और देख लिया कि हाँ भाई कितना बड़ा स्क्रीन है, उसके अनुसार इसने अपना खुद को रिसाइज कर लिया है। ठीक है, तो डिफरेंट ड्राइवर्स, डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ये सारे इंस्टॉल करता है बेसिकली, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर करता है, उसके बाद ये डिफरेंट ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर को मेमोरी में लोड करता है, इंस्टॉल करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। थोड़ा वेट करते हैं इस सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए, होपफुली जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। एक क्लाउड सर्विस स्टार्ट कर रहा है, नेटवर्किंग स्टार्ट किया, स्नैपडी स्टार्ट कर रहा है। बेसिकली ये जब बूट करता है तो डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट ड्राइवर्स को लोड करता है, उसको उनको स्टार्ट करता है, जैसे ऑटो स्टार्ट ड्राइवर्स या एप्लीकेशन जिनको करना है उनको लोड करके मेमोरी में लोड करता है और स्टार्ट करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी होता है काम करने के लिए। ठीक है, तो ये आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, 134 आईपी एड्रेस मिला है इसको, 192.168.177.134, तो इसके थ्रू आप SSH इंस्टॉल करके SSH के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब कुछ इंस्टॉल कर रहा है, वो फुली जल्दी ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। GDM सर्विस जो होता है, जीनोम सर्विस होता है, अब आपको GUI आ जाएगा।
इसमें बेसिकली हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। यूज़र आईडी बाई डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि एक ही यूज़र है, और पासवर्ड हमें एंटर करके लॉगिन करना पड़ेगा। थोड़ा तो स्लो है वैसे, उबंटू स्लो नहीं है, मतलब मेरा सिस्टम स्लो है, आप ये समझ जाइए। माउस तो लोड हो रहा है, ये आ गया आपका लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा बेसिकली लॉगिन स्क्रीन पे क्या क्या है, ये ऑप्शंस हैं, क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। नेटवर्क, पावर मोड, बैलेंस, नाइट लाइट, डार्क स्टाइल। ठीक है, डार्क स्टाइल करेंगे ना, डार्क स्टाइल हो जाएगा बेसिकली, वैसे डार्क स्टाइल ही है ये, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास हाई हाई कॉन्ट्रास्ट, जूम, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे बेसिकली लॉगिन स्क्रीन के। इस पे हम यूज़र पे क्लिक करेंगे। और पासवर्ड डालेंगे। जब हम ये चूज करके पासवर्ड डालते हैं तो हमारे पास एक यहाँ सेटिंग एनेबल हो जाता है, जिसमें हमें डेस्कटॉप का टाइप चूज करने का ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपने बजी या और एक्सेप्सी या और भी किसी कोई लिनक्स जीयूआई इंस्टॉल किया है, तो आपको वहाँ यहाँ से चूज कर सकते हैं। बेसिकली हम अभी उबंटू ही रखेंगे और इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट करते हैं। कुछ तो चल रहा है पीछे, हैंग ना हो गया हो। हैंग होगा तो फिर हम इसकी मेमोरी बढ़ाएंगे और प्रोसेसर बढ़ा के फिर से रीस्टार्ट करेंगे, बट हुआ नहीं है, थोड़ा तो टाइम ले रहा है, बट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये खुल गया आपका 1.2.24.04 एडिशन। बेसिकली दो टाइम पे निकलता है, साल के फोर्थ एंड टेंथ मंथ में 1.2। तो ये आपका इंटरफेस खुल गया इंस्टॉलेशन के बाद। और एक्सप्लोर करते हैं कि हमें क्या क्या मिला। बेसिकली अभी ये लोड कर रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हमें एप्लीकेशंस जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है, ये जब भी उबंटू इंस्टॉल करता है करते हैं तो ये स्क्रीन आता ही है। इसमें कुछ कुछ ऑप्शन से पूछता है, जैसे इसमें पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेंड द इंफॉर्मेशन, सम बेसिक इंफॉर्मेशन टू कैनोनिकल। अगर कुछ भी आपसे सिस्टम के यूजर से रिलेटेड या इससे रिलेटेड आप चाहे तो कैनोनिकल को इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, इससे वो इम्प्रूव होने में मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं उबंटू को। बेसिकली ये फाइनल वर्जन नहीं है तो बार बार ये क्रैश कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है। मैं इसको सेंड ही करूंगा क्योंकि इससे फायदा होगा, जब फाइनल वर्जन निकलेगा तो इन बग्स के बिना निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप पर्सनल चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, तो आप यस कर सकते हैं, बाकी नो कर सकते हैं, आप पे ऊपर डिपेंड है। मैं अभी फिलहाल नो कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कुछ एरर हो रहा है बेसिकली, अब ये ठीक करेंगे कैनोनिकल वाले, जब इसको फाइनल वर्जन रिलीज होगा, ऑफिशियल रिलीज जब होगा तो इसको रिलीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। वेट, हैंग हो रहा है। पासवर्ड, बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, इसीलिए ऑथेंटिकेट करने बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कैन नॉट बी रिपोर्टेड, चलिए बंद करते हैं।
डेटा वे नॉट डिलीवर सक्सेसफुली, ये सारे एरर्स आ रहे हैं, अभी मुझे लगता है इस लूप में फंसा देगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट। वेट, लोकेशन सर्विस मुझे ऑन नहीं करना है, डन कर दिया मैंने। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको आप सॉफ्टवेयर सेंटर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे, इसको डन कर देते हैं अभी। ओके, बेसिकली जो वेलकम स्क्रीन होता है वो चला गया, उसमें जो ऑप्शन दिए थे तो बाय डिफॉल्ट आपको लेफ्ट बार पे फायरफॉक्स ब्राउज़र राइटर ऐप सेंटर हेल्प सीडी और ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो स्टार्ट बटन दबाइए। ठीक है, स्टार्ट बटन दबाइए, खुल जाएगा। मान लीजिए मुझे टर्मिनल ऐड करना है, TRMINL टर्मिनल, इसको मुझे सपोज ऐड करना है ये। पिन टू डैश ही सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए फिर इसने पिन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, जाओ तो मैं ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम इंफॉर्मेशन। आप टर्मिनल के थ्रू भी देख सकते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन, और बाकी आप GUI के थ्रू भी देख सकते हैं, वो दोनों दिखाएंगे आपको। -a, ठीक है, -a, लिनक्स Ubuntu 24.04, ये कर्नल वर्शन है, ये Ubuntu का है, बाकी ये सारी अलग सेटिंग्स है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होगा देखने का। अबाउट नहीं आएगा, सॉरी। सिस्टम मॉनिटर में जाते हैं। ठीक है, वॉलपेपर तो ठीक ठाक लग रहा है वैसे। ठीक है, ये हम आ गए सिस्टम मॉनिटर में, और ये सारे जो प्रोसेस बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग से रन हो रहे हैं, CPU जो मैक्सिमम यूज़ हो रहा है वो डीबस प्रोसेस यूज़ कर रहा है, मेमोरी जो मैक्सिमम यूज़ कर रहा होगा जीनोम यूज़ कर रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली GIS जीनोम कैलेंडर, ये सारी चीज़ें मेमोरी यूज़ कर रही है। ठीक है, सिस्टम के स्टार्ट में मेमोरी 1.5 GB यूज़ हो रहा है, अच्छा है ये फिगर, क्योंकि बहुत कम यूज़ हो रहा है। सॉफ्टवेयर जब कुछ और चलाएंगे तो और मेमोरी लोड होगा, तो 1.5 ठीक है, वैसे थोड़ा ज़्यादा है। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए इतना मेमोरी यूज़ होना उतना सही नहीं है। बेसिकली ये अगर 1 GB के नीचे रहता तो ठीक रहता, पर ठीक है। CPU अभी यूज़ हो रहा है 100%, बेसिकली 95% CPU यूज़ हो रहा है, 96% दूसरा CPU यूज़ हो रहा है। ठीक है, और नेटवर्क भी ठीक ठाक यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम फाइल सिस्टम देखते हैं। फाइल सिस्टम में SD2 जो हमारा मेन पार्टीशन है, आप देख सकते हैं 10 GB ऑलरेडी यूज्ड है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ है उसमें 10 GB के लगभग गया है हमारा। 39 GB अभी हमारा फ्री है। ठीक है, प्रोसेस जो हमारा सबसे ज़्यादा CPU यूज़ कर रहा है, देखते हैं कौन सा प्रोसेस है। GIS नाम का कुछ प्रोसेस है, GJS नहीं, ठीक है, ये हमारा है सिस्टम डी प्रोसेस यूज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो बेसिकली CPU अभी यूज़ कर रही है, ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ी देर में, जब सारी चीज़ें लोड जाएंगी तो थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएगा ये। ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन अवेलेबल है इसमें। एडिशनल ड्राइवर है, कैलेंडर है, फॉर्मवेयर अपग्रेड है, अपडेटर है, क्लॉक है, जीनोमोथ हैंडलर है, इमेज, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये अगर सिस्टम अपडेट करना है तो इसमें जाके आप कर सकते हैं, अगर रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करना है तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑफिस में ऑफिस काम करने के लिए पावर पॉइंट हो गया, ये ड्रॉ हो गया,
पेंट टाइप का, ये आपका कैलकुलेटर मतलब एक्सेल टाइप का हो गया, ये मैथमेटिक्स फॉर्मूलेस अगर आपको करना है तो उस ये हो गया, ठीक है। ये लिब्रे ऑफिस है कलेक्शन, ठीक है। और कैलकुलेटर वीडियोस, अगर आपको वीडियोस मूवी देखने हैं तो ये सॉफ्टवेयर है उसके लिए। सेटिंग्स है, सेटिंग्स में अभी जाके दिखाएंगे आपको, आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट है, स्टार्टअप एप्लीकेशन है, अगर कोई आपको एप्लीकेशन स्टार्टअप में डालना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टअप डिस्क क्रिएटर, अगर आप इसको यूज़ करके स्टार्टअप डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर है जैसे नोटपैड होता है, थंडरबर्ड मेल है जैसे ईमेल कॉन्फ़िगर करने के लिए, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक टोरेंट के लिए शायद होता है, ट्रांसमिशन जो है, ठीक है, टोरेंट फाइल्स के सपोर्ट के लिए। अब हम सेटिंग्स में एक बार चले जाते हैं, ये होम डायरेक्टरी है, आपको दिख रहा होगा एक, ठीक है। अभी चलिए होम डायरेक्टरी में आपको दिखा देते हैं जाके, बेसिकली होम डायरेक्टरी में ये आप ऐसे समझ लीजिए जैसे विंडोज़ का माई कंप्यूटर है ना, जैसे माई कंप्यूटर है वैसे होम डायरेक्टरी है ये इसका। तो ये सारा सिस्टम हो गया आपका, होम डायरेक्टरी में ये सारे डायरेक्टरीज हैं, अदर लोकेशन, वीडियो, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, अगर आपको देखना है तो उबंटू, ये आपका रूट फाइल, जैसे सी ड्राइव हुआ आपका विंडोज में वैसे ये हो गया उबंटू सी ड्राइव, और उसमें बेसिकली अलग अलग फाइल सिस्टम्स होंगे, ठीक है। अलग जो उबंटू के एक जो लिनक्स का एक बेसिक फाइल स्ट्रक्चर होता है वो है, ठीक है। ये पिक्चर्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डाउनलोड डॉक्यूमेंट, ऐसे जैसे विंडोज में होता है लगभग ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपका सेटिंग हो गया, सेटिंग्स इसमें इसे नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है तो इसमें जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीपीएन सेटअप करना तो ये है, प्रॉक्सी सेटअप करना तो ये है, ब्लूटूथ से रिलेटेड कनेक्शन, ब्लूटूथ हो गया, डिस्प्ले अगर आपको हाइट विथ घटाना है तो ये यूज़, अगर रिजोल्यूशन छोटा बड़ा करना है, रिजोल्यूशन घटाना बढ़ाना तो इसको यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट हो गया, ये सारा मतलब बेसिकली डिस्प्ले से रिलेटेड हो गया, ठीक है। फ्रैक्टल स्केलिंग आप जानते ही होंगे, फ्रैक्टल तो नहीं जानते थोड़ा पढ़िए, फ्रैक्टल स्केलिंग मैंने कर दिया इनेबल। साउंड, ठीक है, आउटपुट डिवाइस ये हो गया, पावर हो गया, पावर से रिलेटेड मल्टीटास्किंग, अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब थीम, ठीक है। आपको देख सकते हो मल्टीटास्किंग मतलब, एक बार आपसे दिखा दूं आपको, बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ वर्क प्लेस, इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि कितना वर्क प्लेस हो सकता है। डायनेमिक मतलब आप जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं। वर्क प्लेस क्या है, जैसे आप इस कोने पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे, यहाँ जैसे एक यहाँ आ गया, ठीक है। एक ये वर्क प्लेस हो गया, एक बेसिकली दो डेस्कटॉप हो गया। आप अगर जैसे कोई सॉफ्टवेयर है इसको ड्रैग करके यहाँ लाएंगे तो एक नया वर्क प्लेस क्रिएट हो जाएगा, तो ये डायनेमिक बेसिकली वर्क प्लेस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि फिक्स हो तो आप यहाँ पे आके इसमें फिक्स कर दीजिए, फिक्स करके और जितना डेस्कटॉप चाहिए आपको वर्चुअल डेस्कटॉप उतना इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे उससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं, ठीक है। अपीयरेंस में डार्क, और चलिए डार्क सेलेक्ट करते हैं, अब देखिए क्या चेंजेस आता है, तो सारा डार्क हो जाएगा बेसिकली। डार्क मोड अच्छा होता है काम करने के लिए, आई पे स्ट्रेन भी कम होता है और बैटरी भी ज़्यादा चलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्क्रीन डार्क ही होती है तो उसको एनलाइट इल्यूमिनेट करने के लिए बैटरी की जरूरत नहीं होती, तो डार्क मोड में थोड़ा बैटरी भी चलता है। अगर अगर बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा वॉलपेपर अवेलेबल है, हम देख सकते हैं, ठीक है। वन टू डेस्कटॉप, ठीक है, हम देख सकते हैं साइज नॉर्मल, बॉटम राइट, ये ऑटो हाइड डॉक, ऑटो हाइड कर देंगे तो ये जो बगल में डॉक है ये अपने आप ही हाइड हो जाएगा, देख रहे हैं इधर जो एक डॉक था ये हाइड हो गया, ठीक है। यहाँ माउस ले जाएंगे तो फिर खुल जाएगा, तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। आइकन, आइकन साइज बड़ा छोटा इसे कर सकते हैं, देखें, देख रहे होंगे आप आइकन साइज बड़ा छोटा हो रहा है, तो अपने अनुसार इसे चेंज कर, सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। उबंटू या लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक खासियत होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। ऐप्स, ऐप्स में देखिए ये सारी एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो अवेलेबल है। तो इसको आप, सपोज आपको इसको कुछ इस ऐप से रिलेटेड कुछ करना है, नोटिफिकेशन दिखना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब एक एक ऐप से रिलेटेड सेटिंग्स आप जाके
चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन हो गया, सर्च हो गया, ऑनलाइन अकाउंट, सपोज आप चाहते हैं कि गूगल या नेट, ये सारे जो टाइप्स के ऑनलाइन प्रोवाइडर्स हैं ये आप कॉन्फ़िगर करना चाहें डायरेक्ट, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप शेयरिंग करें, ठीक है, तो मीडिया शेयरिंग हो गया डिवाइस नेम, अगर आप मीडिया शेयर करना चाहते हैं बिटवीन ऑन द नेटवर्क, आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। माउस पैड, माउस से रिलेटेड ऑप्शन है, कलर से रिलेटेड है, सो ये सारे सिस्टम से रिलेटेड ऑप्शन। अब हम सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं, जो मैंने बोला था कि आप GUI से सिस्टम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, वेट, ये है, वेट, ये भी सिस्टम लॉगिन, अबाउट, अबाउट, जैसे आप अबाउट में जाएंगे तो सिस्टम से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। ठीक है, अबाउट, एक सेकेंड, खुल रहा, ये हैंग हो रहा है बेसिकली। अभी जो फाइनल वर्जन आएगा वो थोड़ा स्टेबल होगा, और वैसे भी मेरा कंप्यूटर बहुत ओल्ड है तो इस कारण भी इश्यूज हो रही हैं, और VM पे चल रहा है, वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल प्लेयर पे, तो इसलिए प्रॉब्लम है। सेटिंग्स, आप चाहे तो एंड टास्क भी कर सकते हैं, जैसे सपोज आपको इसको क्लोज करना है तो फोर्स क्विट कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि विंडोज में टास्क मैनेजर में जाके राइट क्लिक करके आप वो करते हैं, किसी प्रोसेस को क्लोज करते हैं, वो भी ऑप्शन है। ठीक है, यूटिलिटीज के अंदर आप देख लीजिए क्या क्या है, ये सारे ऑप्शन है, लॉग, पासवर्ड, फॉन्ट, फॉन्ट नया इंस्टॉल करना है, बैकअप, डिस्क एनालाइजर। ठीक है, डिस्क एनालाइजर आपको दिखा देते हैं, ये अच्छा यूटिलिटी है बेसिकली। आप देखिए, ये आपका मेन डिस्क हो गया, जिसमें 42 GB अवेलेबल है, 52 इसमें से आप, ठीक है, यहाँ पे आपको एक वो बना देगा, पाई चार्ट बना देगा, रिंग चार्ट, जिसमें आप दिखेगा कौन सा फाइल, कौन सा सिस्टम क्या यूज कर रहा है। ठीक है, ये बहुत टाइम लगा इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हेल्प हो गया, हेल्प में क्या है कि आपको इससे रिलेटेड, उबंटू से रिलेटेड सारी सारे हेल्प मिल जाएंगे आपको। अगर कुछ चीज़ के बारे में जानना पढ़ना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गाइड को, अबाउट, जीनोम, विजुअल ओवरव्यू, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको अगर आप नए हैं और आपको जानकारी और चाहिए तो। ठीक है, और देखें एप्लीकेशंस, बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट्स देख लें, खुलने दीजिए, थोड़ा टाइम ले रहा है वैसे, तो खुल रहा तब तक को देख लेते हैं। ठीक है, सेटिंग्स, अभी इंसान स्टेबल लग रहा है बेसिकली ये। ठीक है, वो तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए इंस्टॉल किया है। ठीक है, अभी भी हैंग हो रहा है बेसिकली। ठीक है, स्टार्टअप डिस्क, टेक्स्ट हो गया, जैसे आपको दिखाते हैं टेक्स्ट एडिटर कैसा होता है, नोटपैड बेसिकली, मैं अपना नोटपैड हो गया। फॉन्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं, वन टेक को ये मैंने देखा है, इसे रिलेटेड सेटिंग्स है, स्पेसेस, टास्क, ग्राफिक्स, तो ये बेसिक, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है ये, जिसमें आप टेक्स्ट एडिट करना, सेव करना, फाइल्स बनाना, ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस बहुत हद तक बहुत अच्छा चेंज हुआ है, पहले अलग टाइप का था। ठीक है, डिस्कार्ड कर दे इसको, ठीक है, ये सेटिंग हो गया, ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये ऑप्शन है, ये सेटिंग्स है, लाइट है, ठीक है,
अब इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो वर्क स्पेस आ जाता है, देखिए अभी दो है और भी डायनेमिकली क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है बेसिकली। रिसर्च करते हैं सिस्टम, बेसिकली सेटिंग्स में होगा वो, सेटिंग्स में हैंग हो रहा है ना, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। अभी देखते हैं, अबाउट सिस्टम मॉनिटर, नहीं ये तो नहीं होगा। प्रोजेक्ट डिटेल्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, ठीक है ये आ गया आपका सेटिंग्स। बेसिकली प्राइवेसी सिक्योरिटी, है ये देखिए है यही, लेकिन ये मैं बेसिकली हैंग हो रहा है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप मैंने को मैंने कहाँ लाइन से दिखाया वो आपको इससे देख सकते हैं। ठीक है, वेट यूजर, वेट, ठीक है। बेसिकली ये था एक्सप्लोरेशन। इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। इंस्टॉलर में चेंज है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फोर्स क्विट, ओके, सो बस वो और भी कुछ कुछ होगा। तो कंप्लीट फीचर्स जो हम आज आपको दिखा देते हैं, क्या क्या है फीचर्स जो नए आए हैं, आपको ब्राउज़र में ही दिखा देते हैं, सर्च करके से पता चल जाएगा। वन टू 24.04, आप देखते हैं, भी देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आया है। मैक वन टू LTS टूल, अभी LTS नहीं है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वन टू नहीं आया, इसलिए कुछ बग्स हैं जो आपको दिख गए होंगे, जो हैंग हो रहा है। और ठीक है, खुलने दीजिए, आपको दिखाते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। वैसे आप खुद भी देख सकते हैं ऑनलाइन सर्च करके, लेकिन अब मैं इंस्टॉल करके एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो आपको इसी में दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। तो ऐसे ही मैं अलग अलग वीडियोस लाऊंगा इंस्टॉलेशन के, सिस्टम से रिलेटेड ट्यूटोरियल से सारी चीज़ें। तो कृपया सपोर्ट करें हमें, और कुछ अच्छा लगे कुछ तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। कुछ भी अच्छा ना लगे, अगर आपको लगे कि हमें कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, तो फिर आप कमेंट करके बताएं कि हमें और कैसे क्या करना चाहिए, कैसे ठीक, कैसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है,
बेसिकली ये फीचर्स है, इंस्टॉलर इम्प्रूवमेंट आपको, आप जैसा आपने देखा था कि इंस्टॉलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, इंस्टॉलर का इंटरफेस और ऑप्शंस बहुत हद तक चेंज हुआ है, तो इंस्टॉलर का ये फीचर्स हो गया। तीसरा है सॉफ्टवेयर सेंटर बिग अपडेट का, सॉफ्टवेयर सेंटर दिखाना मैं आपको भूल गया, सॉफ्टवेयर सेंटर आपको दिखा देता हूँ। पहले जो सॉफ्टवेयर सेंटर था उसका लेआउट ऐसा नहीं था जैसा आपको दिख रहा है इस इमेज में, सॉफ्टवेयर सेंटर का लेआउट ऐसा नहीं था, अलग था, ठीक है। अभी खुलने दीजिए इसको, जब तक सॉफ्टवेयर सेंटर खुल रहा है और देखते हैं और क्या फीचर्स आए हैं नए। जीनोम 4.6 है इसमें, जीनोम का लेटेस्ट वर्जन है 4.6, ठीक है। स्नैपशॉट ऑप्शन है, स्नैप्स है, डेडिकेटेड सिक्योरिटी ऐप है, अदर डेडिकेटेड सिक्योरिटी ऐप है, ठीक है, खुल रहा है, खुलने दीजिए, बहुत बहुत स्लो है इसके लिए, सॉरी। सिक्योरिटी ऐप अलग कर दिया गया, मतलब सेपरेट कर दिया गया है, इम्प्रूव नोटिफिकेशन को इम्प्रूव कर दिया, लेटेस्ट कर्नल वर्जन 6.6 एनेबल्ड है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स हैं उबंटू में, तो लेटेस्ट वर्जन है। अभी LTS वर्जन आएगा तो ये सारे बग्स खत्म हो जाएंगे जो हमें दिखे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो 29th में फीचर फ्रीज, यूजर इंटरफेस फ्रीज, उबंटू 24 बीटा आएगा, April 4th को, तो अभी बीटा चल रहा है बेसिकली, ठीक है, बीटा वर्जन चल रहा है। अप्रैल 25th को रिलीज डेट है, ठीक है। अप्रैल 2034, यानी 10 ईयर्स, एंड ऑफ लाइफ 10 ईयर्स में है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जीनोम डेस्कटॉप, ये सब आपको ऑप्शन तो मैंने दिखाई दिया, ये वॉलपेपर है, ठीक है, ठीक है। तो जो फीचर्स है बाकी आपने एक्सप्लोर कर लिया, तो एक बार सॉफ्टवेयर सेंटर भी देख लीजिए। तो ये एक इंटरफेस, बहुत अच्छा इंटरफेस इन्होंने बनाया है, पहले ऐसा इंटरफेस नहीं था पहले। अभी देखिए, अभी हैंग हो रहा है वैसे, ठीक है। तो ये है, सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपके लिए जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप ये मत सोचिएगा कि उबंटू का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिस्टम का है, स्लो है, इसलिए ये सारे सिस्टम है। यहाँ जाके आप वो कर सकते हैं, अगर जो ऑपरेटिंग कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए आप यहाँ क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए VLC इंस्टॉल करना है मुझे, तो VLC सर्च करूँगा। बेसिकली APT के लिए स्नैप स्नैप यूज़ हो रहा है इसमें, तो VLC आ गया, इसको चाहे तब इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल है। वैसे करके आप सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर सर्च कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था 12.24.04 का एक्सप्लोरेशन और फीचर्स के बारे में जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और हमें कृपया सपोर्ट करें, बहुत बहुत धन्यवाद।